हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। गाइस, समर तो आ चुकी है एंड बहुत लोगों का स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम होते हैं इस टाइम में। लेकिन गाइस, आज मैं एक होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इसे ठीक से फॉलो करें तो इचिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी एंड साथ साथ डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी रिमूव करने में ये मदद करते हैं। आज मैं एक हेयर मास्क के बारे में आपको बताऊंगी एंड ये जो हेयर मास्क है ये मैं खुद यूज करती हूँ। आप भी इसे ट्राई करें एंड आपको भी स्कैल्प इचिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, साथ साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आपको देखना है तो वीडियो को स्किप मत करके एंड तक देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, और ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नीम लीव्स। नीम इचिनेस से रिलीफ देते हैं एंड उसके साथ साथ इचिनेस की वजह से स्कैल्प में जो रेडनेस होते हैं उसको भी रिड्यूस करते हैं। इसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है एंड उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून हनी। हनी ड्राई हेयर एंड स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में मदद करते हैं, उसके साथ साथ ये हेयर ब्रेकेज को भी रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ये दोनों को मिला के एक थिक पेस्ट बनाना है एंड इसे स्कैल्प में अप्लाई करना है। आप चाहो तो पूरी हेयर में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। अब हमारी हेयर मास्क रेडी हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। हेयर को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करके स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से लगाना है। ये हेयर ग्रोथ को इनकरेज करेगी एंड हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्गर बनाने में भी ये हेल्प करेगी। पूरी स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाने के बाद बचा हुआ मास्क को आप पूरी हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें है हनी। हनी फ्रीजी हेयर में सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, हेयर को स्मूथ करने में मदद करते हैं। एंड गाइज, नीम का जो ये होममेड मास्क है ये डैंड्रफ हटाने का बहुत ही इजीएस्ट एक रेमेडी है। अगर आपका डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप जरूर ये मास्क को वीक में 2 बार ट्राई करें, क्योंकि नीम लीव्स के अंदर है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो डैंड्रफ को दूर करने में मदद करते हैं। अप्लाई करने के बाद इसे ऐसे ही रखना है, 15 से 20 मिनट तक इसे रखना है स्कैल्प में एंड हेयर में एंड उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लेना है एंड शैम्पू करने के बाद कंडीशनर जरूर अप्लाई करें। तो मैं हेयर को वॉश कर लिया है एंड कंडीशनर भी अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हेयर थोड़ा सा गीला है। टॉवल ड्राई करने के बाद हेयर में मैंने अप्लाई की है सेरम। हेयर वॉश करने के बाद आपकी स्कैल्प बहुत ही मॉइस्चराइज लगेगी, बहुत ही फ्रेश फीलिंग होते हैं एंड इचिंग का जो प्रॉब्लम होते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं एंड इचिंग की वजह से जो रेडनेस हो जाते हैं स्कैल्प में वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल बटन को भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।